मिनट में 20 बड़ी खबरों का। दमोह जिला मुख्यालय स्थित गंगा जमुना इंग्लिश मीडियम स्कूल में हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब इस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के धर्मांतरण का मामला सामने आया। राज्य बाल आयोग की टीम के द्वारा की गई जांच में एक और अहम खुलासा सामने आया। इसमें गंगा जमुना स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने की बात सामने आई। यहाँ पर काम करने वाली प्राचार्य पहले हिंदू थी, अब मुस्लिम बन गई है। दो अन्य शिक्षक भी पहले हिंदू थे, अब मुस्लिम है। इस मामले पर बाल कल्याण समिति के सदस्य दीपक तिवारी ने बताया कि इस मामले का खुलासा होने के बाद ये जांच का विषय है कि इनको गंगा जमुना पब्लिक स्कूल के द्वारा स्कूल में नौकरी दिलाने के नाम पर धर्मांतरण किया गया या इन्होंने स्वयं धर्म परिवर्तन किया है। वाकई धर्मांतरण का ये खेल कितना गहरा है, क्या ये बड़ी साजिश का हिस्सा है, ये सब जानने के लिए जांच की रिपोर्ट का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के नापाक मंसूबे आए दिन देखने को मिल रहे हैं। अब बीजापुर में लाल आतंक के बुलंद हौसले देखने को मिले हैं। यहां नक्सलियों के बिछाए जाल में सुरक्षा बलों के जवान फंस गए और इसमें दो जवान हताहत हुए हैं। दरअसल नक्सलियों ने थाना गंगालूर इलाके में पड़ने वाली टेका मीटा पहाड़ी में आईईडी लगा रखा था, जहां से गुजरते वक्त सीआरपीएफ के जवान इसकी चपेट में आ गए, जिसमें दो जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल जवान की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें जवान खून से लहूलुहान है। जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद घायल जवानों को तत्काल रायपुर एयरलिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दरअसल प्रदेश में लाल आतंक के खिलाफ लड़ाई मुस्तैदी से लड़ी जा रही है। एक तरफ सरकार के द्वारा चलाई जा रही नक्सलियों के घर वापसी के लिए योजनाएं, तो दूसरी तरफ नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन, यही कारण है कि नक्सली बौखला गए हैं। वे हर वक्त नापाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। अनाथ बच्चों से क्रूरता की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, ये बिन माँ बाप के बच्चों के साथ ऐसा सुलूक कि रूह कांप उठे। देखिए जरा, पहले ये युवती मासूम बच्ची पर थप्पड़ बरसाती है, फिर बाल पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक देती है। इतने से भी जब इसका मन नहीं भरता तो बाह पकड़कर ये बच्ची को खड़ा करती है और बेड पर पटक देती है। बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन इस जल्लाद को दया नहीं आती। ये फिर बच्ची की पिटाई करने लगती है और इस दौरान एक और बच्ची आती है, जिसे अपने पास बुलाकर ये युवती उसकी भी पिटाई करती है। ये अनाथालय बिन माँ बाप के बच्चों को सहारा देने के लिए बना था, लेकिन ये बच्चों के लिए यातना गृह बनकर रह गया है। मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या शासन की मदद से चलने वाले ऐसे अनाथालयों की मॉनिटरिंग का कोई इंतजाम है या नहीं। जैसा कि विधायक बता रहे हैं, अगर अधिकारियों को बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करने की जानकारी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऐसा अधिकारियों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? टीवी सीरियल महाभारत में शकुनी का किरदार निभाने वाले गूफी पेंटल का सोमवार को निधन हो गया। वे 78 वर्ष के थे। पेंटल पिछले 8 दिनों से मुंबई के अंधेरे स्थित अस्पताल में भर्ती थे। गूफी को दिल और किडनी संबंधी बीमारी थी। गूफी के भतीजे हितेन पेंटल और महाभारत में उनके साथी कलाकार सुरेंद्र पाल ने निधन की पुष्टि की। बताते चलें कि एक हफ्ते पहले गूफी की तबीयत बिगड़ गई थी। उस वक्त वे फरीदाबाद में थे। पहले उन्हें फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, फिर कंडीशन खराब होने पर उन्हें मुंबई लाया गया। गूफी ने 1975 में रफू चक्कर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 80 के दशक में वे कई फिल्म्स और टीवी शोज में नजर आए। हालांकि गूफी को असल पहचान 1988 में बीआर चोपड़ा के सुपरहिट शो महाभारत से मिली। शो में उन्होंने शकुनी मामा का किरदार निभाया था। गूफी आखिरी बार स्टार भारत के शो जय कन्हैया लाल की में नजर आए थे। जिंदगी का क्या भरोसा कि कब मौत आ जाए, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। सड़क पर खड़ी इस कार पर एक बार नजर फेरिए। ड्राइवर की सीट पर रूफ को छेदते हुए एक सरिया घुसा हुआ है। ऐसे हादसे में जान बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
मुंबई से सटे ठाणे की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां तीन हाथ नागे पर मेट्रो चल रही थी। नीचे सड़क पर गाड़ियों का आना जाना जारी था, तभी ऊपर से एक भारी भरकम सरिया नीचे गिरता है और सीधे कार में घुस जाता है। गनीमत ये रही कि कार ड्राइवर को इस हादसे में खरोच तक नहीं आई। कार की इस हालत को देखकर हर कोई हैरान है। बहरहाल इस घटना के बाद कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहां ये लापरवाही हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। आगे भी ऐसी लापरवाही हो सकती है और लोगों की जान भी जा सकती है। मध्य प्रदेश के उन लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है जिन्हें सरकार की तरफ से दिए जाने वाले लैपटॉप का इंतजार है। जी हाँ, 12वीं पास स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बोर्ड में जिन छात्रों ने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, उन्हें सरकार ने लैपटॉप देने का ऐलान किया है। स्टूडेंट्स के खाते में जून के तीसरे सप्ताह में लैपटॉप के लिए 25,000 रूपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश के 7,08,553 विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। निर्देश दिया है कि 10 जून के पहले विद्यार्थी अपने जिलों में छात्रों के बैंक अकाउंट अपडेट करें। हाईवे किनारे पलटी ये बस, बिखरा पड़ा सामान, बस की छत पर चढ़े लोग सामान नीचे उतार रहे हैं, मौके पर लोगों की भीड़। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सुबह के वक्त ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक बस में छात्र और छात्राएं सवार थे, जो वनवासी लीला कार्यक्रम के लिए निकले थे। ग्वालियर से शाजापुर के लिए जा रहे थे। इस दौरान बांसखेड़ी गांव के फोरलेन हाईवे के पास टायर फट जाने की वजह से ट्रक बेकाबू होकर बस से टकरा गया और ऐसे में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में ड्राइवर समेत एक छात्र की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 छात्र छात्राएं सवार थे और ये सभी नर्मदापुरम के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले चुनाव को लेकर अब तबादलों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के दायरे में आने वाले अधिकारियों का तबादला होने जा रहा है। इस सूची में एक ही जिले में 3 साल से पदस्थ राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को रखा गया है, जिसमें आईपीएस, एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों की सूची तैयार की गई है। सूत्रों के मुताबिक एएसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारियों के तबादले की सूची इसी महीने सहमति के बाद जारी हो सकती है। गाइडलाइन के मुताबिक जुलाई में होने वाली सूची में जिले के और जोन में पदस्थ आईपीएस अफसर बदले जाएंगे। पन्ने दर पन्ने पलटते जाइए, हर पन्ने पर एक ही हर्फ लिखा है, राम नाम। राम तो कण कण में है, तो सियासत में क्यों नहीं। दरअसल मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। पार्टियां जनता को साधने की कवायद में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देश में राम पर भी सियासत होती रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है। किसी पार्टी के हिंदुत्ववादी होने का दावा तो किसी का हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप। इस बीच कोशिशें सॉफ्ट हिंदुत्व की राह अपनाने की भी, ये सारे दाव पेच सियासत के हैं। ये सारे शब्द सियासत में खूब उपयोग में आते हैं, लेकिन राम तो इन सबसे ऊपर है। उज्जैन के दर्शना मैदान में एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शहर में साधु संत, आम जन और कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। कार्यक्रम था एक साथ 21 करोड़ बार प्रभु राम का नाम लिखने का। दरअसल 20 मार्च 2023 को राम नाम लेखन का कार्य शुरू हुआ था। इसके लिए शहर के 12,000 परिवारों तक राम नाम लिखने की सामग्री पहुँचाई गयी थी। करीब 40 दिन में 21 करोड़ राम नाम लिखने का कार्य पूर्ण हुआ। आगरा मुंबई नेशनल हाईवे, मध्य प्रदेश के शाजापुर से एक तेज रफ्तार कार गुजर रही थी। कार में 8 लोग सवार थे, तभी ग्राम बंजारी के पास नेशनल हाईवे 52 पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होकर पलटी कार में हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 7 लोग इसमें घायल हैं।
इनमें दो लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायलों का जिला अस्पताल शाजापुर में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कार में सवार लोग मथुरा वृंदावन से धार्मिक यात्रा कर वापस अपने घर लौट रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी टीएस बघेल पुलिस टीम के साथ जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और हादसे की जानकारी लेने के साथ ही घायलों का हाल भी जाना। सिर पर कलश लेकर पदयात्रा और तमन्ना बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विभाग की। धीरेन्द्र शास्त्री को कौन नहीं जानता भला, देश ही नहीं दुनिया में शास्त्री की खूब चर्चा है। हर मंच से हिंदू राष्ट्र के हुंकार भरने वाले शास्त्री के चर्चे अब पर्चे तक सीमित नहीं है। शास्त्री के प्रति दीवानगी हर जगह देखी जा रही है। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो उठते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये दीवानगी है शास्त्री से विवाह की। एक युवती जो एमबीबीएस की छात्रा है, नाम शिवरंजनी तिवारी, जो गंगोत्री धाम से सिर पर गंगा जल का कलश लेकर निकलती है और पदयात्रा शुरू करती है बागेश्वर धाम के लिए। शिवरंजनी जब चित्रकूट स्थित संतोषी अखाड़ा पहुंची तो वहां मनोकामना पूरी होने के लिए साधु संतों का आशीर्वाद लिया। शिवरंजनी ने एक जगह शास्त्री को प्राणनाथ तक कह दिया है। हालांकि अपने बयान में शिवरंजनी ने 16 तारीख का जिक्र करके संशय भी बरकरार रखा है। इस यात्रा में युवती के पिता भाई सहित अन्य लोग भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड जर्जर हो चुका है, जिसका खामियाजा यहां खेलने वाले खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है। मैदान जर्जर होने से खेल रहे बच्चे जख्मी हो जा रहे हैं, जिससे कई बच्चों ने खेलना बंद कर दिया है। दरअसल नगर निगम अंबिकापुर के द्वारा करीब 10 साल पहले बास्केटबॉल खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनाया गया था, लेकिन 10 सालों में प्लेग्राउंड जर्जर हो गया। ऐसे में प्लेग्राउंड को मरम्मत करने की जरूरत है, लेकिन प्लेग्राउंड देकर मरम्मत करने की जिम्मेदारी से अधिकारी ने किनारा कर लिया है। जर्जर प्लेग्राउंड की वजह से बास्केटबॉल खेल रहे कई बच्चे खेलना छोड़ रहे हैं। खेल के मैदान को जिम्मेदार अधिकारियों ने नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन जिसका खामियाजा मासूम छोटे खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है।